अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोजा स्टिचिंग एंड हसनैन ब्लॉग। तो आज हमें ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन देखेंगे। तो इसके लिए हमने ब्लाउज़ की ऊंची ली है 14.5, शोल्डर है हमारा 6.5, आर्म होल है हमारा 7, बोट नेक का गला है हमारा, तो छाती है हमारी 10.7, कमर घेर है हमारी 9.7। तो बोटने का गला लेंगे हम, पहले ब्लाउज़ पर मार्किंग कर लेंगे। 4 इंच की चौड़ाई लेंगे और 4 इंच की ही लंबाई लेंगे गले की। अभी इसको स्क्वायर में बना कर लेंगे। अब यहाँ पर गले की ऊंचाई लेंगे हम 11.5 इंच। नीचे के साइड भी 4 इंच मार्किंग करके लेंगे और दोनों गले के बीच में 1 इंच का गैप बना कर लेंगे। यहाँ पर भी 4 इंच मार्किंग करते हुए नीचे भी हम ड्रॉ कर लेंगे चौकन को। अभी ऊपर गोल ड्रॉ कर लेंगे गला और नीचे हम बड़ा वाला थेम बना कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद फोल्डिंग कैनवास इसके ऊपर रखकर यहाँ पर पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे गले की। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद कैनवस पर दोनों तरफ ड्रॉ करने के बाद 1-1 इंच बाहर के साइड में एक्स्ट्रा कैनवस छोड़ते हुए दोनों गलों को सेपरेट हम यहां पर कटिंग कर लेंगे। अभी इसको हम पेपर कैनवस पर यानी अस्तर के कपड़े पर चिटका कर लेंगे। तो उससे पहले हम यहां पर अस्तर और कपड़े को जोड़ कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से पिन अप कर अस्तर और कपड़े को हमें चारों तरफ से जोड़ कर लेना है। चारों तरफ से जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हमारा उसको कटिंग कर लेंगे। अब इसका सेंटर निकाल कर लेंगे। तो उससे पहले हम पहले गला तैयार कर लेंगे। अस्तर के ऊपर हमने इसको प्रेस कर लिया था। तो चारों बाजू से इस तरह से 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए तो उसको फोल्ड कर लेंगे बराबर से। देखिए इस तरह से अभी ऊपर के गले को भी सेम इसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारे दोनों गले तैयार हो चुके हैं। तो अभी गले का सेंटर निकाल कर लेंगे ब्लाउज़ का और बराबर से ये रखते हुए पिन अप कर लेंगे। रखने के बाद यहाँ से जहाँ से हमारी पेंसिल की मार्किंग है गले की वहाँ से स्टिच कर लेंगे बराबर से। अभी नीचे के साइड में भी गला बना कर लेना है हमें इस तरह से। गला बनाने के बाद यहाँ से हम पिन निकाल लेंगे और 1/4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो अभी छोटा कट मारने के बाद इसको सीधा करेंगे। सीधा कर प्रेस टिप मार कर लेंगे। तो नीचे का गला भी हम कटिंग कर लेंगे। अब तो ऊपर की ओर पहले हम प्रेस टिप मार कर लेंगे फिर नीचे भी। देखिए इस तरह से अभी नीचे के तरफ भी प्रेस टिप मार कर लेंगे। इस तरह से हमें गले को दोनों तरफ में प्रेस टिप मारकर लेनी है। इससे हमारी गले की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इतना हमारा ये गला तैयार है। तो बैक साइड की डाच लेंगे अब हम सेंटर से 4 और ऊंचाई लेंगे 4.5 इंच। तो अब हम यहाँ पर कमर पट्टी लगा कर लेंगे। कमर पट्टी को फिर हाथ सिले से फोल्ड कर लेंगे।
फोल्ड करने के बाद सीधे यहाँ पर हमें इस तरह से पेपर को रख कर लेना है और जो मेन गला है हमारा बोटने का बैक साइड का उसकी मार्किंग कर कर लेंगे इस तरह से। अब ये गले को साइड में रखते हुए सेंटर का डिज़ाइन बना कर लेंगे हम। इधर ये ब्लाउज़ के कपड़े की ये हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी, तो उसको इस तरह से फोल्ड कर कर हम एक नाड़ी पट्टी तैयार कर कर लेंगे। तो इसी तरह के न्यू लेटेस्ट ब्लाउज डिज़ाइन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर न्यू ब्लाउज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। अब दूसरी तरफ से भी प्रेस्टिप मार्कर लेने के बाद इसका माप लेकर लेंगे। पेपर पे जो हमने मार्किंग कर कर रखी थी उससे हमें 1.5 से 2 इंच थोड़ी सी पट्टी ज़्यादा रखनी है। और बराबर देखिए सेंटर में हमने पहले एक रख कर लिया है। इसी तरह से हम 5 पट्टियों को अटैच कर कर लेंगे ऐसा क्रॉस करते हुए। देखिए इस तरह से। तो सेंटर में एक, आजू बाजू में 2, इस तरह से हम 5 बना कर लेंगे ये पट्टियां रखकर। पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये ब्लाउज डिजाइन, आप एक बार जरूर ट्राई करें। देखिए इस तरह से ये तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा पेपर को हम बाजू से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। निकालने के बाद अभी यहाँ पर फूल बना कर लेंगे जो सेंटर में हम लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हम वन साइड से फोल्ड करते हुए साइड से इस तरह से स्टिच कर कर लेंगे। देखिए फोल्ड करते हुए नीचे से फोल्ड कर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टिच करेंगे। इसी तरह के हमें 7 कलियाँ बना कर लेनी है। तो अभी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हम पहले कटिंग कर कर लेंगे। अब यहाँ पर हाथ सिलाई के सुई से सभी कलियों को यहाँ पर जोड़ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब बराबर आखिरी में इस तरह से एक टाका मारेंगे और धीरे से खींचने के बाद ये फूल तैयार हो जाएगा। तब सेंटर में एक शो बटन लगा कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर गले पर अटैच कर कर लेंगे। तो पहले हम बराबर से इसको बीच में बिठा कर पिनअप कर कर लेंगे। देखिए इस तरह से पिनअप कर कर लेना है हमें, फिर यहाँ से स्टिच कर कर लेंगे। बराबर से बिठा कर लेंगे हम गले पर इसको। तो इतना हमारा ये बैठ चुका है। तो अभी लेस लगा कर लेंगे। मैंने लेस भी येलो कलर की इस्तेमाल की है, ज़्यादा अपोजिट इसमें कुछ नहीं किया है। तो इसी तरह की लेस आप भी इस्तेमाल करें। जो भी ब्लाउज़ पर आप डिज़ाइन यूज़ करेंगे तो उसी कलर की यहाँ पर लेस इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा हमारा ये डिज़ाइन उभर कर आएगा। तो नीचे के साइड में भी हम लेस लगा कर लेंगे। देखिए इस तरह से बराबर से हमें लेस लगा कर लेनी है। अभी लेस के दूसरी तरफ से भी मैं टिप मार कर ले रही हूँ ताकि हमारी लेस अच्छे से यहाँ पर बैठे। अभी सेंटर में हमें फूल लगाना है तो उससे पहले हम कमर को भी एक लेस लगा कर लेंगे।
ब्लाउज में और थोड़ा सा लुक लाने के लिए मैंने कमर को भी यहाँ पर लेस लगा ली है। अब पेपर निकालने के बाद सेंटर में हम फूल लगा कर लेंगे। तो ये भी हमें हाथ सिलाई से बिठा कर लेना है। देखिए इस तरह से हाथ सिलाई के सुई से हम बराबर सेंटर में इस फूल को बिठा कर लेंगे। तो इतना हमारा फूल भी ये बैठ चुका है। तो टोटल हमारा डिज़ाइन पूरा तैयार हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा डिज़ाइन। आप एक बार बना कर ज़रूर ट्राई करें। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।